हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये दबके का बहुत सिंपल काम है जिससे आप फ्लावर बना सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बनाया है। ये मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपने मेरे दबके की वीडियोस देखी हैं पिछली जो मैंने बनाई हैं, तो आपको डिटेल किस तरह काटना है, किस तरह उसकी केयर करनी है, और वो सब चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा वो वीडियोज़ देख के कि दबके का काम देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत ईजी काम है अगर आपको सही काटना आ जाए बस, और आपको मोती लगाने आते हो। ये दो चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप बहुत इजीली बहुत अच्छा काम बना सकते हैं। चले, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ये आसान सा काम किस तरह बनता है। ये मैंने एक सर्कल बना लिया है ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि मुझे बीच का पार्ट कितना बड़ा रखना है। अगर आपको इसे छोटा रखना है तो छोटा कर लीजिएगा, और आपको ज़्यादा बड़ा रखना है तो ज़्यादा बड़ा रख लीजिएगा, ज़ाहिर है आपकी मर्ज़ी है। और हल्के हल्के निशान लगा लीजिए ताकि आपके जो पेटल्स बने तो आपको अंदाज़ा रहे कि आप कहाँ कहाँ बनानी है आपको। हमेशा की तरह मैंने ये पेपर पे रखा है, ये ऑलरेडी कटे हुए हैं सारे, ये दो डिफरेंट तरह के हैं। ये लाइट गोल्डन जो है थोड़ा सा डिज़ाइन वाला है, ये ब्रॉन्ज जो है ये सिंपल है जो मैं कई दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। तो आप चाहें तो कलर यूज़ कर लीजिए, मेरे पास यही है तो मैं यही यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। और चाहें तो एक ही कलर हो, चाहें तो आप ऑल्टरनेट कर लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे। मैं अपने दबके की हर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि इसकी केयर कैसी करनी होती है। जिन्होंने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए है कि ये थोड़ा सा स्प्रिंगी सा होता है ये, और बहुत डेलिकेट होता है। आपको बहुत एहतियात से इसको यूज़ करना होता है, काटना होता है और रखना होता है। अगर आप इसको बगैर थैली के ऐसे कहीं डाल देंगी किसी एक दूसरे के साथ तो ये उलझ जाएगा और आपका सारा जो मटीरियल है वो ख़राब हो जाएगा। आप हमेशा सेपरेट थैलियों में रखा करें दबका, ताकि एक दूसरे से उलझ ना जाए, और जब आपको निकालना हो उसी हिसाब से आप निकाल लें और वापस फिर बाकी उसी थैली में डाल दीजिए। वरना अगर आप ऐसे एक दूसरे के साथ रख देंगी तो ये उलझ जाएगा आपस में और ये ख़राब हो जाता है, और फिर आपका मटीरियल जो है वो आधे से ज़्यादा खिंच जाएगा और वो ज़ाया जाएगा। तो ये हमेशा एहतियात कीजिएगा दबके की। और जब आप डिफरेंट पीसेस काटें दबके के और कोई छोटा कट जाए अगर, तो उसको ज़ाया नहीं कीजिए, इसलिए कि आपके आइंदा काम आएगा। वो आप एक सेपरेट थैली में रखना शुरू कर दीजिए ताकि जब आपको ज़रूरत हो किसी छोटे साइज़ की तो फिर आप वो निकाल सकें और वो यूज़ कर सकें। मैं पेटल जो बनाऊंगी वो इतने लंबे की बनाऊंगी। मेरे एक दो थोड़े लंबे बन गए थे तो मैंने ये छोटे पीसेस उसमें से निकाल दिए, काट दिए, तो मेरे छोटे पीसेस भी काम आ जाएंगे। जब आप भरते हैं किसी पेटल को या फ्लावर के बीच का हिस्सा, तो उसमें ये छोटे छोटे जो पीसेस हैं ये बहुत आसानी से मोती की तरह लग जाते हैं। तो आपका दबके का कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं करनी चाहिए, और एहतियात से एक किसी अलग सेपरेट थैली में रख लेनी चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि ये छोटे साइजेस इस थैली में हैं और बड़े इसमें हैं, और जब आपको ज़रूरत हो तो आपको ढूंढना ना पड़े। और मैंने ये पेपर पर रखा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, इसलिए कि अगर मैं रफ़ पे रखूँगी तो ये मेरा सारा जो पीसेज हैं ये उसमें उलझ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। सीक्वेंस आप किसी भी साइज़ के ले सकती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ये मैंने थोड़े से ये आई थिंक ये साइज 16 के होते हैं ये। अब ये हमने एक ले लिया अपना पीस, ये इस तरह बिल्कुल इजी तरीका है ये बनाने का फ्लावर। ऐसे हमने एक छोटा पीस लिया दबके का और फिर सितारे में लगा दिया। अब मैंने अपना दूसरा पीस लिया है। आप चाहें ऐसे, मेरा थोड़ा सा कटोरी वाला सीक्वन है, आप चाहें तो ऐसे उल्टा करके लगा लीजिए, और चाहें तो जैसे मैंने लगाया ऐसे लगा लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा अच्छा लग रहा होता है। जहां आपका पीस ख़त्म हो रहा होगा बिल्कुल उसी जगह आप अपना सीक्वन लगा लेंगे इस तरह। ये बहुत आसान है, स्पेशली बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कि आपका एक भरा हुआ काम बन जाता है और इजीली बिल्कुल, इसमें कोई मसला नहीं होता। सिर्फ आपको ये थोड़ा ख्याल रखना होता है कि जब आप काटेंगे तो सही तरह से कटे। अगर आप एक ही साइज़ की पेटल्स चाह रहे हैं तो बराबर कटे, वरना ये भी हो सकता है कि आप एक छोटी एक बड़ी बना लें। तो ये डिफरेंट डिज़ाइन के सारे फ्लावर्स होते हैं, उसी हिसाब से आपको बनाना होगा।
अभी हमारा फ्लावर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर आप चाहें तो एम्ब्रॉयडरी से फ्रेंच नॉट्स बना लीजिए, मोती लगा लें, या दबके के ही छोटे पीस जो मैंने आपको दिखाए थे जो मोती की तरह होते हैं वो लगा लें, तो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। नग भी लगा सकती हैं आप, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाह रही हैं। अब हमारा ये फ्लावर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे इसके बीच में आपको ज़्यादा भरा हुआ करना है तो छोटे साइज़ के बना लीजिए, तो उसका अलग इफ़ेक्ट आ जाता है, और चाहें तो लंबे ही और ज़्यादा करीब करीब कर लें आप। उम्मीद है आपको ये आसान सी वीडियो पसंद आई होगी और आप ये काम ट्राई करेंगे अपने किसी चीज़ पर और मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि रिज़ल्ट कैसा रहा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।